गाइज ये है वीवो Y33s और इससे पहले वीवो ने Y33 को लॉन्च करा था। तो ये जो फ़ोन है रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इस वीवो Y33s के प्राइस को लेकर, तो इसका जो प्राइस है वो आपको 17,999 रुपये रखा गया है। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही, और इसका जो कलर है वो आपको काफ़ी अमेजिंग है, और जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। तो मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं देता हूँ आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये है वीवो Y33s का बॉक्स, और ये जो फ़ोन है आपको 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ देखने मिलता है। ये फोन आपको दो कलर में अवेलेबल होता है, और ये जो फोन है यहाँ पे कुछ की फीचर्स के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 18W फास्ट चार्जर, 8mm ट्रेंडी स्लिम डिजाइन एंड 1080p अल्ट्रा क्लियर डिस्प्ले। तो ये था इसका कुछ की फीचर्स। और ये जो वेरिएंट है मेरे पास 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, ये आपको मिरर ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग, और ये रहा चाकू, अभी फटाफट से इसके सील को हम लोग ब्रेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वीवो का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, एंड आई थिंक इसके अंदर हम लोगों को कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल गार्ड और ये वारंटी कार्ड एक साथ देखने को मिलता है। आपको एक अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे सिलिकन केस देखने को मिल जाता है। एंड आगे बढ़े तो ये रखा मिलता है वीवो Y33s, और ये जो है आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन अभी हम लोग साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है इसका एक ट्रेवल अडाप्टर, जो आपको 18W ट्रेवल अडाप्टर देखने को मिलता है। ये फास्ट चार्जर है, और इसके साथ हम लोगों को एक USB 2 Type-C डेटा केबल देखने को मिल जाता है। और यहीं पे हम लोग देखें तो आपको एक ईयरफोन भी देखने को मिलता है, सो आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। तो ये था इसका बॉक्स कंटेंट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये था इसका सिम इजेक्टर टूल। तो चलिए इस पे लगे हुए इस स्टिकर को भी निकाल लेंगे। ये हम लोगों को यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। आई थिंक ये फ़ोन काफ़ी कूल है, और ये जो यहाँ पे डुअल लेयर कलर है इसका, इस फ़ोन को काफ़ी अमेजिंग बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, ग्लोसी फिनिश के साथ आता है। वीवो ने नीचे अपना ब्रांडिंग करा है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप दे रखा है। तो चलिए मैं करता हूँ इस फ़ोन को फाइनली सेटअप, और फिर बात करते हैं डिटेल में। गाइज फ़ोन फाइनली यहाँ पे सेटअप हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ मिलता है। एंड सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के डिज़ाइन को लेकर, तो ये फ़ोन काफ़ी हैंडी है, एंड ये फ़ोन आपको 8.0mm थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। अगर इसके फ्रेम की बात करें तो फ्रेम में मेटल यूज करा गया है, इससे वीवो काफ़ी सोच समझ कर बनाया है। एंड यहीं पर अगर इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर एक ग्लास वाला फीलिंग आपको मिलता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको ग्लास देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर आपको कार्बोनेट का पैनल मिलता है। एंड इस वीवो के अंदर अगर हम लोग देखें राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, एंड यहीं पे पावर की सेटअप करा गया है। फोन के टॉप साइड पे आपको डेडिकेटेड सिम ट्रे लगाने का ऑप्शन मिलता है, एंड फोन के बॉटम साइड पे आपको 3.5mm जैक लगाने का ऑप्शन, माइक का ऑप्शन, सी टाइप चार्जिंग का ऑप्शन, सो यहाँ पे रिवर्सिबल आपको देखने को मिलता है, और साथ में आपको आउटपुट स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। तो ये वीवो Y33s डिज़ाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है। एंड बात करें इस फ़ोन के कैमरे को लेकर, तो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी बढ़िया सेटअप करा गया है, प्रीमियम टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, क्योंकि इसका पैसा जो लग रहा है वो भी आपको यहाँ पे प्रीमियम टाइप का देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो दूसरा डेप्थ लेंस है वो आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का आता है, और जो माइक्रो लेंस है वो भी यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और साथ में ये सुपर नाइट मोड कैप्चर करता है। एंड बात करें इस फोन के फ्रंट सेल्फी की, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, इसके अंदर भी आपको सुपर नाइट मोड ऑल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये वीवो Y33s कैमरे को लेकर काफ़ी बढ़िया है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक कैमरे के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है 6.58 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और वाटर ड्रॉप नॉच देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो आपको 90.8 का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बेजल आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसी से ये फ़ोन आपको काफ़ी कंफर्टेबल और हैंडी देखने को मिल जाता है। नीचे में इसके बेजल जो निच है वो आपको यहाँ पे काफ़ी कम लाइन देखने को मिल जाता है। और ये जो वीवो Y33s है, इसके अंदर
आपको सुपर एमोलेड जैसा फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक हेलियो G80 गेमिंग प्रोसेसर यूज करा गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ, और इसके अंदर आपको अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मैनेज करना, ब्राइटनेस मैनेज फिक्स करना, इस तरीके के फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये फ़ोन आपको 8GB रैम के साथ आता है, लेकिन इसके अंदर आपको 2.0 एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि 4GB रैम और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे कि ये वीवो Y30 3S 12GB रैम सपोर्टेड फ़ोन बन जाता है। जो 4GB रैम है वो आपको वर्चुअल होने वाला है, वो इसके स्टोरेज से निकाल करके एक रैम क्रिएट किया जाता है, सो फ़ोन को थोड़ा फास्ट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसका जो अपना फंटा चॉइस है वो आपको 11 देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड वर्जन 11 के ऊपर। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है। एंड आपको ये 4G स्मार्टफोन है। तो आज का जो मेरा मेन पर्पस था इस वीवो Y33S का फर्स्ट इंप्रेशन देना एंड कुछ की फीचर्स बताना था। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।